आज एक मस्त न्यू डिजाइन लेके आए हैं कुछ। अपन हमेशा नया लेके आते हैं, तो अब की बार भी कुछ नया लेके आए हैं। जैसे आप टीवी नेट तो देख ही रहे हैं, आपको एक टीवी नेट के बारे में बताएंगे अच्छे से। और अंदर मास्टर रूम है तो ड्रेसिंग टेबल ही अलग बेहतरीन तरीके से बनाया हुआ है, और कबाट है वो भी अलग तरीके से है, अंदर लाइटिंग वाइटिंग है और किचन भी है। तो मस्त एकदम, मतलब आपको ब्यूटीफुल लगेगा, क्योंकि हर एक डिजाइन अपन हमेशा अलग करते हैं, तो कुछ हटके करना चाहिए हमेशा। जैसे भरा हुआ भी ना दिखे, स्पेस भी दिखे, अच्छा भी दिखे घर में। तो एक टीवी यूनिट बड़ा ही, जो आप देख रहे हैं अभी पूरा लुक देख रहे हो दूसरे की किस टाइप से है, और कौन सी सीट यूज की गई है इसमें, और कैसे कैसे लाइटिंग वगैरह लगाई गई है। जो आप साइड में, चलो अपन टीवी यूनिट को स्टार्ट करते हैं। जैसे इस साइड में सीट है, इसको राफ्टर सीट बोलते हैं। तो ये राफ्टर सीट लगाना बहुत ही बेहतरीन दिखता है, कि इसमें भले आप पूरी मत लगाओ, लेकिन इतनी ही लगाई तो एक ट्यून यूनिट का लुक आ जाता है, और ऊपर एक लाइट लगा दी तो बेहतरीन तरीके का दिखता है। वापस ये लेमिनेट आ गया अपना, ये लेमिनेट की सीट है, पूरी पलाई है। इधर से अपन देख के वॉल तक अपनी पलाई है, तो इधर भी ये पलाई वापस बोर्ड लगाया गया है, और वापस यहाँ पे नीचे डाइनिंग टेबल आ गया है। तो इधर आप जैसे ओपन बॉक्स देखते हैं, तो इसमें शो पीस रखे हुए हैं, बड़ी आसानी से आप ट्रॉफी ऑफिस शो पीस लगा सकते हैं। और प्रोफाइल पट्टी की लाइट लगाई है, तो अंदर खांचा मार के प्रोफाइल पट्टी लगा दी गई है, और ऊपर तक आप देख सकते हो अच्छे से, मतलब आप ट्रॉफी और खिलौना वगैरह रख सकते हो। और साइड में है ये डोर है, तो इसको आप खोल के कुछ अंदर वापस स्टोरेज रख सकते हो आप, तो और सब हिंजी से। तो और इस साइड से आप देखोगे तो भी आपको वॉल नहीं दिखेगी, पूरा पैनल ही है। और जो नीचे का है, वापस अपन देखते हैं दूसरे कि नीचे ड्रावर का देखते हैं, नीचे ड्रावर का व्यू देखते हैं तो भी अच्छा है। तो अपन ने ड्रावर वैसे यहाँ से इधर इधर रखा है, इधर आप जैसे ट्री रख सकते हो, इतना जगह छोड़ के रखना चाहिए, तो आने जाने को भी बेहतरीन रहता है, जगह बड़ी रहती है, और ट्री रख दे तो दिखने को भी अच्छा रहता है। और नीचे ये ड्रावर, तो आपका ड्रावर में कैसा है, सामान आ जाता है छोटा मोटा भरपूर। ये तीन ड्रावर हो गए, तीनों ड्रावर के भी ऐसे ही फिगर मिल रहे हैं एक ही सीट में, तो ये आपका भरपूर इसमें सामान आ जाता है मटेरियल्स। तो ये कुछ इस तरीके से अपना टीवी यूनिट बनाया गया है। और वापस अपन घूमते हैं, देख लीजिए, और इस वॉल पे फोटोग्राफी की गई है बड़ी अच्छे से, बता सकते हैं कि फोटोग्राफी किस, आप इससे सबसे फोटो का भी डिजाइन कर सकते हैं। कभी अपने को फोटो लगाना है तो भी बताइएगा, अपन डिजाइन कर देंगे फोटोग्राफ का। अभी अपन चलते हैं रूम में, और आपको हॉल दिखा देते हैं वैसे कि हॉल किस टाइप से है। इस साइड से ऐसा है, और अपन चलते हैं, छोटा ही हॉल है लेकिन बड़ा ही मस्त टीवी यूनिट हो गया है, तो ऐसा दिख रहा है। अभी आपको दूर से देख लेते हैं कि टीवी यूनिट कैसा दिख रहा है, और ये एक दूर का लुक हो गया ऐसा किया तो, और नज़दीक किया तो वापस यूं ही दिखता ही है। तो चलो रूम में आ जाओ, फिर अपन किचन में चलेंगे। ये है इधर का कबाट, आप कैमरामैन जी इधर आ जाएंगे, फिर आपको ड्रेसिंग टेबल बाद में बताएंगे। अभी जो वार्डरोब आपको दिख रहा है, ऊपर लॉफ्ट है, हाइड्रोलिक डोर है ऊपर, तो तीन ही डोर है, बड़े बड़े तीन ही डोर है हाइड्रोलिक पे किए गए, और स्लाइडिंग डोर है। तो इसमें आपको खूब बात यह है कि एक तो मेन कलर एक ही है, तो ज्यादा लुक आता है, शांत कलर है, और ब्लैक कलर के हैंडल है, तो ये बीच में टी पट्टी लगाई गई है, इसे टी पट्टी बोलते हैं, तो ये ब्लैक कलर की टी पट्टी है, हैंडल भी टी पट्टी ब्लैक है, तो एक अच्छा व्यू आता है देखने को, यह मस्त दिखता है कि भाई अच्छे से किया गया है। जैसे अपन डोर बंद कर देते हैं, अभी आपको अंदर का व्यू दिखाते हैं कि कबर्ड का अंदर से किस टाइप से किया गया है। जैसे ये प्रोफाइल लाइट लगा दी गई है, और अंदर आपके भरपूर कपड़े आ सकते हैं, आप चाहें तो इस हिसाब से अंदर कंपार्टमेंट बना सकते हैं। देख सकते हो हैंगर रोड हो गया, इधर कंपार्टमेंट हो गए तीन, और वापस नीचे भी स्टोर हो गया, तो फुल आपको कबर्ड में अपना स्टोर मिल गया, और लाइटिंग हो गई तो आपको अच्छे से देखने को आ सकता है। सब क्लोज है, डोर ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं। और फिर ये अपन इस साइड का देखते हैं, तो देख सकते हैं आप इस साइड का फुल स्टोरेज उसी हिसाब से है, हैंगर आ गया वापस, कंपार्टमेंट और प्रोफाइल लाइट है ही उसी बेहतरीन तरीके से। और फिर आप ऊपर देखते हैं तो हाइड्रोलिक डोर है, तो हाइड्रोलिक डोर आपको खोल के दिखा देते हैं, फुल स्टोर है ये, हाइड्रोलिक है ऐसे टॉप ओपने पर ऊपर खुलता है डोर, ये भी आपको हाइड्रोलिक ही है। तो इसी टाइप से आप स्टार्ट रखिएगा, जैसे ड्रेसिंग का व्यू लीजिए, मैं तो डोर खोलता हूँ। तो ये ड्रेसिंग टेबल है कुछ, देख सकते हो इस साइड ड्रेसिंग टेबल का स्टोरेज आ गया,
और इस साइड मिरर है, मिरर के पीछे ये प्रोफाइल पट्टी लगा दी गई है ताकि बेहतरीन दिखता है और आप देख ही सकते हैं, देख ही रहे हैं। तो मिरर में अपना फॉक्स चेहरे पे लाइट की चेहरे के ऊपर गिरनी चाहिए तो चेहरा फेस बराबर दिखता है। और वापिस अपन इस साइड देखते हैं तो आपका भरपूर स्टोरेज आ गया है इसमें, ये ड्रेसिंग के साइड में ये स्टोर हो गया। और नीचे भी अपन एक इसमें नीचे लाइट लगा दिए तो एक मस्त गिरती है, और ये फिर भी वापिस नीचे फुल स्टोर आ गया आपका। तो कुछ इस तरह से ये मास्टर रूम है। अभी चलते हैं अपन, देखते हैं किचन में किस टाइप से किया गया है। तो आ जाओ, और इधर भी देख लो, मस्त लाइट लगा दिए भाई, कैसा लग रहा है। अभी आते हैं अपन किचन में। तो किचन में आपको दिखाते हैं, देख सकते हो जैसे ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो ऊपर का हो गया एयर रेड बॉक्स, लॉफ्ट बोलते हैं कहीं और रेड बोलते हैं, लॉफ्ट हो गया। और वापिस फ्रिज के ऊपर भी इधर बॉक्स लगाए क्योंकि ज्यादा ये स्पेस खाली दिखती है ऐसे, तो ये हाइड्रोलिक डोर है, ऐसे ये डोर खुल गया तो फ्रिज के ऊपर की भी अपनी स्पेस यूज हो गई। तो देखो फुल स्टोरेज रखा हुआ है, ये स्पेस हो गई। और दूसरा अपन यहाँ पे क्रॉकरी आती है, तो क्रॉकरी के ब्रेक ग्लास है शांत एकदम, मतलब ज्यादा झिकझिक नहीं, प्लेन में कैसा दिखता है तो ब्लैक में कैसा शांति से दिखता है बरोबर। तो ब्लैक प्रोफाइल डोर है, इसे प्रोफाइल डोर बोलते हैं ग्लास के। और आप अंदर से देखते हैं, देख सकते हो तो फल मतलब आपकी क्रॉकरी अच्छे से रखी हुई है। और ये वापस साइड ओपनेबल डोर हो गए तो आपका अंदर का स्टोरेज इसमें सबसे फुल आ सकता है। और वापस इस साइड का भी देख लेते हैं, ये आपका स्टोरेज आ गया। और नीचे वापस ये ओपन बॉक्स लगा दिया छोटा, ताकि आपका मस्त ओपन बॉक्स जो रेगुलर चीजें यूज हो या शोकेस टाइप मस्त दिखे, जैसे एक ट्री रखा हुआ है छोटा सा तो अच्छा लगता है। और वापिस आप इस साइड का देखते हैं, कॉर्नर में आ जाइए आप, इधर इधर से दिखा देते हैं। तो इधर भी ये मस्त है ओटीजी ऑन के लिए, तो इसमें ऑन आएगा परफेक्ट। अभी देख सकते हैं आप रखा हुआ है बरोबर। और ये दो वापिस प्रोफाइल डोर हो गए ग्लास के, ये हाइड्रोलिक ग्लास के डोर है। और अंदर क्रॉकरी आ गया आपका, और अंदर प्रोफाइल लाइट लगा दी गई है, और उसी हिसाब से आप नीचे का देख सकते हो आराम से ऐसे हाइड्रोलिक पे, तो आपकी ये क्रॉकरी आ गई। तो एक अच्छी दिखती है ब्लैक प्रोफाइल डोर लीजिए हमेशा। तो और ये वापिस नीचे अपना ड्रावर आ गया, कुछ सामान रखने को यूज इजी रहता है, जैसे ऑन का सामान रखा हुआ है, प्लेट रख दी यहाँ पे तो बेहतरीन रहता है, आपको यूज करने को इजी रहता है। वापस नीचे डोर आ गया तो आपको कैसा है सामान और स्टोरेज इसमें आ सकता है। तो कुछ इस हिसाब से किया गया। और वापस एक्रोवार्ड देखते हैं, तो अभी आपको आरओ इसमें आ गया है, कैसा है आरओ दिखता नहीं है, आरओ इसके अंदर है। और किचन अपना नीचे स्कॉटिंग लगा के किया गया है, और ये ड्रावर है किचन के, फुल टेंडम बॉक्स है, फुल आपका स्टोरेज डब्बे वब्बे रखे हुए हैं अच्छे से, तो आपका कितना भी जो स्टोरेज इसमें आ जाता है। और ऊपर ये कटलेरी कप्स सर हमेशा किचन में तो वैसे लगभग सेम ही रहता है ज़्यादातर, बस थोड़ी बहुत डिज़ाइन अलग रहती है, बाकी फर्नीचर सब चेंज ही रहता है लगभग। और आप नीचे देख सकते हो तो पूरा थाली वाली आप रख सकते हो इस हिसाब से। तो ये कुछ टेंडम बॉक्स है, पूरा सॉफ्ट क्लोज है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।